Hey guys, good morning. So today it's Sunday guys, और आप देख ही सकते हो कि मैं जस्ट सूखी उठी हूँ. जस्ट नहीं, मतलब हो गया आधा घंटा. मैंने मेरा लुकवॉर्म वाटर पी लिया है. एंड सुबह सुबह मेरा दिमाग भी खराब हुआ बिकॉज मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिला था वो देखने गई थी और वो निकला डिफेक्टिव. उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत गर्म है गाइज. और उसका मैंने एक जस्ट वीडियो बनाया है कि मेरे साथ कैसे हादसे हुए. मैंने दोनों बार ट्राइपॉड ऑर्डर किया और दोनों बार ही बहुत बकवास डिफेक्टिव ट्राइपॉड आए. और जिनको मुझे पैक ओपन करने में बहुत टाइम लग गया, उसकी वजह से मैं रिटर्न भी नहीं कर पाई. खैर, अभी वो मैं सब इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी बिकॉज उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि मैं इसके पहले पोस्ट करूंगी गाइस. तो आप लोग तो या अभी थोड़ा सा मैं दिमाग मेरा ठंडा कर लिया है एंड बस मेरा अभी नहाके भी नहीं हुआ है गाइस. तो नहाने के पहले ही मैंने वो वीडियो बना दिया, इतना मेरा दिमाग खराब था इसलिए मैंने वो वीडियो पहले ही बना दिया. सो या अभी गाइस मैं जाऊंगी नहाने के लिए एंड फिर फ्रेशन हो जाऊंगी. फ्रेशन होने के बाद नाश्ता करूंगी और फिर आज देखते हैं गाइस क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. चलिए गाइस अभी बाहर चलते हैं. और यहाँ पे मम्मी चिकन लाने बोल रही है मेरे भाई को. क्या बनाने वाली है मम्मी आज? चिकन बिरयानी. और गाइज मम्मी चिकन नहीं खाती है तो अपने लिए क्या बनाने वाली है मम्मी? अंडा कड़ी. खुद के लिए मम्मी अंडा कड़ी बनाने वाली है और हम लोग के लिए चिकन बनाने वाली है गाइज. हे गाइस, तो मेरा ब्रेकफास्ट करके हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मम्मी यहाँ पे चिकन बना रही है. तो ये देखिए गाइस, ये अच्छे से चिकन धो लिया है मम्मी ने. अभी इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं. थोड़ा सा डाला है, अभी थोड़ा और डाल रही हूँ. अभी ये नमक. एक्चुअली ये ना मैरिनेशन की तैयारी चालू है गाइस. तो इसमें लेमन जूस डाल दिया चिकन अच्छे से धोने के बाद. अभी इसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा गाइस. ये देखिए थोड़ा सा ना, एक चम्मच मतलब अकॉर्डिंग टू योर चिकन गाइस. मतलब आपके पास जितना भी चिकन है उसके हिसाब से आपको ऑब्वियसली क्वांटिटी समझ में आएगी कितना डालना है कितना नहीं. तो उसके हिसाब से आप डाल दो. ये हम लोग ने जो चिकन लिया वो आधा किलो है. और ये अभी क्या है? धनिया पाउडर. ये धनिया पाउडर डाला हम लोग ने गाइस. और गाइस आज बिरयानी बनने वाली है जिसकी मम्मी ने आपको बताया था. तो बिरयानी के लिए ही हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. जीरा पाउडर डाल रही है अभी मम्मी आधा चम्मच. एंड या मुझे बहुत दिनों से बिरयानी खाने का मन भी कर रहा था गाइस. सो आज फाइनली मैं खाऊंगी होममेड बिरयानी, चिकन बिरयानी. अभी इसमें थोड़ा सा कर्ड डालेंगे गाइस. दही कितना चम्मच? एक, दो ढाई चम्मच अप्रोक्सीमेटली. 2.5 टेबल स्पून हम लोग ने इसमें कर्ड डाला है गाइस. और क्या? गरम मसाला थोड़ा. और थोड़ा गरम मसाला टाकला सा धनिया पाउडर था गाइस. अभी थोड़ा सा गरम मसाला डालेगी मम्मी इसमें और फिर बस ये मिक्स करके रखने का साइड में कुछ मैरिनेट करने के लिए. 1/2 आवर समथिंग कुछ रखना होता है. और तब तक फिर हम लोग बिरयानी की जो मतलब अनियन टोमेटोज एंड जो भी लाइक सूखा मसाला वगैरह वो सब लगता है तो वो सब तैयारी करेंगे. अभी मम्मी ने लाया है गरम मसाला, राजेश गरम मसाला पाउडर. तो ये अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच. बस ये हो गया. अभी इसको और कुछ डालना है? नहीं, और कुछ भी नहीं. अभी बस हो गया ये. अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से प्रॉपरली. सब चिकन को ये मसाला जो है वो प्रॉपरली लगा देंगे. हाँ, एंड थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालती है मम्मी. लाइक कितना? एक चम्मच. और बस इसको मिक्स करने का अभी प्रॉपरली अच्छी तरीके से. और गाइस ये अच्छे से मैरिनेट करने के बाद 2 घंटा रखना है इसको.
मैंने आपको हाफ एन आवर बोला बट आधा घंटा नहीं, इसको 2 घंटा रखना एक्चुअली ओके। तो हम लोग को थोड़ा सा घाई है इसलिए हम लोग आधे घंटे में ही इसको बना लेंगे, लाइक आधा घंटा रखेंगे मैरिनेशन के लिए और फिर हम लोग इसको पका लेंगे बिकॉज अभी लेट भी हुआ है, 1 बज के गया है तो जल्दी बनाना है खाना, तो इसकी वजह से बस आधा घंटा इसको रखेंगे हम लोग। और आपको अगर प्रॉपरली अच्छा ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप इसको 2 घंटा रखो गाइस, 1 या 2 घंटा रखो, तो ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, चिकन जो है वो ये सब मसाले चिकन में ये सब मसालों का फ्लेवर आ जाएगा अच्छे तरीके से 2 घंटे में। और बस अभी ढक्कन रख के इसको आधा घंटा हम लोग रख लेंगे मैरिनेशन के लिए गाइज। तो बस गाइज अभी हम लोग बिरयानी बना लेंगे, सो बस फिर मैं खाऊंगी बिरयानी बिकॉज बहुत दिनों से मुझे एक्चुअली क्रेविंग हो रहा था कि मैं बिरयानी खाऊं बट मैं बाहर का नहीं खा रही थी क्योंकि मैं बाहर का फूड थोड़ा सा भी अवॉइड कर रही हूँ। सो आज मम्मी ने सोच, पता नहीं हम लोग ने मम्मी को बोला भी नहीं बट मम्मी ने अचानक से प्लान बना लिया कि आज हम लोग बिरयानी बनाते हैं। सो आज मैं घर का होम मेड बिरयानी खाऊंगी। एंड बाय द वे गाइस बिरयानी इज़ माई फेवरेट डिश, मतलब फूड में अगर मेरे को पूछोगे आप चिकन में क्या अच्छा लगता है तो एक तो फ्राइड राइस तो एनी टाइम मेरा फेवरेट है एंड सेकेंड थिंग इज चिकन बिरयानी। A few moments later, मम्मी ने अभी चावल लाए हैं, कौन सा है ये, बासमती और एक मीठा मम्मी भूल गई बासमती और कौन सा बासमती टुकड़ा बासमती टुकड़ा और थोड़ा नॉर्मल जो बासमती है आखा वाला टुकड़ा है। ओके बासमती है मिक्स, कौन सा तो बासमती है ये, तो बासमती टुकड़ा ने बासमती आखा। अरे कहना क्या चाहते हो, आधा किलो यहाँ पे चावल दिए मम्मी ने, अभी इसको मम्मी वॉश करेगी अच्छी तरीके से और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये कितना टाइम रखने का, आधा घंटा इसको सोक करके रखने का रहता है गाइस, तो अच्छी बनती है। तो ये अपना चावल अच्छे तरीके से धो के हो गया है, बस अभी इसमें पानी डाल के हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो गाइस अभी मम्मी ने वो जो चिकन है मैरिनेशन के लिए रख दिया है एंड जो राइस था उसको भी धो के सोक करने के लिए रख दिया है और तब तक मम्मी बिरयानी की तैयारी करेगी, लाइक टोमेटो अनियन वो सब कट करके मसाला एंड ऑल। तो तब तक मैं मेरा थोड़ा सा YouTube का काम कर लेती हूँ, वर्क पेंडिंग है तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा YouTube का काम कर रही हूँ अभी। तो गाइज बैक टू अवर रेसिपी और यहाँ पे मम्मी अभी बिरयानी बनाने की तैयारी के लिए अभी मम्मी ने पहले ये कांदा अनियन डाला है ऑयल में फ्राई करने के लिए, मतलब जो आपको पता ही होगा कि बिरयानी के ऊपर जो फ्राई किया हुआ ऑयल डालते हैं तो वो मम्मी अभी यहाँ पे फ्राई कर रही है यहाँ पे। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे कट भी कर लिया है अनियन, अभी इसको थोड़ा सा लाइक ये से जुड़ा जुड़ा रहता है तो उसको थोड़ा सा अलग अलग करके फिर इसमें डाल के फ्राई करके लेने का ताकि हम लोग ऊपर बिरयानी के ऊपर डाल सकें। पहले इसमें ये अनियन फ्राई कर लेगी अच्छे से और उसके बाद फिर बिरयानी की तैयारी करेंगे। मीडियम गैस पे ये हो जाता है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है फ्राई ना, तो 5-7 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा गाइस। और तब तक मम्मी यहाँ पे ये जो अनियन है वो कट कर ले रही है, मेरे आंखें वहाँ पे मम्मी अनियन कट कर रही है और मेरे आंखों में से पानी आ रहा है। अभी यहाँ पे मम्मी ने 4 टोमेटोज लिए, यहाँ पे 5 अनियंस लिए थे मम्मी ने और यहाँ पे 4 टोमेटोज लिए, अभी ये कट करेगी मम्मी यहाँ पे। और ये देखिए गाइज हमारा जो अनियन है वो फ्राई होने आया है, हो भी गया है, 5 मिनट हो गए अभी इसको, ये थोड़ा सा बाकी है, 2-3 मिनट में हो जाएगा। हम लोग को चाहिए होते उस तरीके से ये फ्राई हो गए, अभी मम्मी इसको निकाल लेंगे एक बाउल में अच्छे से। ये फ्राइड अनियन हो गया है और हम लोग ने निकाल भी लिया है मम्मी ने बाउल में, अभी मम्मी इसमें डालेगी तेज पत्ता खड़ा मसाला, जो खड़ा मसाला होता है वो डालेगी मम्मी इसमें और मम्मी अभी निकाल रही है, सो प्लीज वेट 2 मिनट्स। तो ये मम्मी ने यहाँ पे डाल दिए तेज पत्ता और यहाँ पे मम्मी ने ये जो तेल होता है अभी ये मम्मी इसमें डाल दिए अनियन जो कि ग्रेवी बनाने के लिए मम्मी ने कट कर दिए थे, वो अनियन इसमें डालेगी और इसको फ्राई करना है अभी हम लोग को। फ्राई मतलब इतना भी काला काला नहीं करना है, इतना भी फ्राई नहीं करना है, नहीं हम लोग ग्रेवी बनाते वैसे टाइप का थोड़ा
फ्राई कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे जो है ये धनिया कट कर रही है, बिकॉज हमें धनिया भी लगेगा डालने के लिए बिरयानी के ऊपर और मसाले में भी। तो मम्मी अभी यहाँ पे धनिया कट कर रही है। और ये है पुदीना, थोड़ा सा पुदीना लगेगा हम लोग को। और ये है दो ग्रीन चिलीज। ये ग्रीन चिलीज को हम लोग अखे अखे थे ना स्टाक ना ओके। तो मतलब ये जो ग्रीन चिलीज है हम लोग को मैरिनेट वाले चिकन में डालने गाइस, बिकॉज हम लोग डालना तभी भूल रहे। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी हम लोग ने इसमें डाला नहीं है, हम लोग भूल गए डालने के लिए, तो अभी हम लोग डाल रहे हैं। सो अगर आपके पास तभी अवेलेबल रहेगा तो आप तभी भी डाल सकते हो गाइस, ठीक है। इसको हो गया है 45 मिनट्स हो गए गाइस, हम लोग ने आधा घंटा बोला था बट 45 मिनट्स हो गए है। और ये भी वैसे रेडी है, आप लोग ज्यादा टाइम रखोगे इसको मैरिनेशन करके तो आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये देखिए हमारा कांदा हो गया है फ्राई, अभी इसमें हम लोग ये टोमेटोज डाल रहे हैं। अच्छी तरीके से वो ब्राउनिश हो गया है अनियन, अभी इसमें हम लोग ने टोमेटोज डाले और इसको भी अच्छी तरीके से दोनों मिला के फ्राई करेंगे 5 मिनट तक के लिए, है ना, 5 से 7 मिनट तक। अब इसमें जाएगा गाइस ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा, मतलब कितना, एक चम्मच, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, बिकॉज चिकन में भी हम लोग ने डाला है। और फिर एक चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर जाएगी। और जो ये मिर्च पाउडर है ना गाइज, हम लोग ने घर पे ही, मतलब हम लोग बनाते हैं तो वही वाली है मिर्च पाउडर। और ये क्या है, धनिया, ये जो डाला है मम्मी ने धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर, अभी 2 चम्मच है ना, डेढ़ चम्मच ओके। सो गाइज यहाँ पे साइड में मम्मी के लिए राइस भी बनाने के लिए रखा है, बिकॉज मम्मी नॉनवेज नहीं खाती बिरयानी। सो आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर जाएगा हम लोग का, आधा चम्मच। और थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट पता नहीं क्या बोलते इसको, बस थोड़ा सा अभी इसमें पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे एंड ये अच्छे से मिक्स करना है हम लोग को इसको। और मिक्स करने के बाद हम लोग को इस पे ढक्कन रख के कुछ 7 मिनट तक पकाना है ना, मतलब जो ऑयल निकलता है ना वो ऑयल निकलने तक हम लोग को इसको पकाना है। और स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है गाइस रियली। और फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारा जो मैरिनेशन किया हुआ ये यहाँ पे जो है वो चिकन, तो इसको पकने देते हैं अभी थोड़ा टाइम जब तक इसका तेल ना छूटे। और ये ढक्कन रख के इसको पकने देना है गाइस, एकदम स्लो गैस पे। एज यू कैन सी हमारा जो ये ग्रेवी है वो रेडी है बनके, मतलब ये इसने साइड से तेल भी छोड़ दिया है। और इसको हो गए अभी 7 मिनट, अभी इसमें हम लोग जो मैरिनेटेड हमारा जो चिकन है वो इसमें हम लोग ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। यस अभी ये चिकन ऐड कर दिया। और इसको कितने टाइम तक पकाना है हमने भी, 10 to 15 minutes गाइस इसको हम लोग को अभी पकाना है। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें जो हमारा जो बॉईल किया हुआ राइस है वो डाल देंगे, मतलब बॉईल किया नहीं अभी तक, करने रखेंगे पर मैं बता रही हूँ आपको जस्ट। तो अभी इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ गाइस, चिकन को, मैरिनेटेड चिकन को। ये देखिए लुक्स यम्मी। तो अभी इस पे ढक्कन रख के इसको पका देंगे हम लोग। और बीच बीच में हम लोग को स्टर भी करना है गाइस, 2-2 मिनट के बाद, 3-3 मिनट के बाद थोड़ा सा चमचा मार के हिलाना है। तो गाइस ये देखो इसको 5 मिनट हो गए अभी, और मम्मी इसको बीच में स्टर भी कर रही थी 2-2 मिनट के बाद, है ना। और अभी 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो गया है, अभी इसको और थोड़ा पकाना है। कितना टाइम तक पकाएंगे, 10 मिनट ओके। और 10 मिनट तक इसको रखना है गाइस ढक्कन रख के, तब जाके थोड़ा मतलब प्रॉपरली कुक हो जाएगा। और थोड़ा सा कुक होना बाकी रहेगा तो वो हम लोग बाद में इसके ऊपर राइस डालने के बाद भी पका सकते हैं उसको। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा नीचे से लाइक चिपक रहा है या फिर जल रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाल सकते हो, जैसे कि मम्मी ने भी इसमें डाला है। तब मैं शॉट लेना भूल गई बिकॉज मैं बाहर मेरा वीडियो एडिट कर रही थी। तो अभी ये हो गया है, बस अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे ये राइस को बॉईल करने का तैयारी। तो ये सॉफ्ट हो गया है, इसको भी आधा घंटा मैंने बोला था बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बिकॉज बाकी सब तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया। तो अभी इसको ये सॉफ्ट अच्छी तरीके से हो गया है गाइस, ये देखिए इसका पानी भी मम्मी ने वो निकाल दिया है,
तो ये सोक भी हो गया अच्छे तरीके से। अभी इसको हम लोग बॉईल करेंगे। इसको कुछ 80% बॉईल करने के बाद फिर इसको हम लोग वो बिरयानी जो मतलब जो चिकन है हम लोग का उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी इसको बॉईल करने की तैयारी करते हैं गाइस। तो ये अभी राइस बनाने के लिए यहाँ पे मम्मी ने पानी रखा है बॉईल करने के लिए। ये बॉईल हो जाएगा फिर उसके अंदर हम लोग वो जो खड़ा मसाला रहता है वो सब डालेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग चावल डालेंगे, घी डालेंगे। तो पहले इसको बॉईल होने देते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब जितना क्वांटिटी आप राइस ले रहे हो उसका डबल क्वांटिटी आपको पानी लेना है, इतना ध्यान रखो बस, बेसिकली सिंपल एज दैट। अरे यार भाई जल्दी से बॉईल हो जा, मुझे दूसरे भी और काम करने हैं। जल्दी जल्दी बॉईल हो जा पानी। ओ और ये देखिए हमारा चिकन भी हो गया है भाई। इसको मम्मी स्टर कर रही है, 10 मिनट हो गए है ना, टोटल 10 मिनट हो गए। अभी और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे हम लोग अच्छे से। चिकन वैसे पकना चाहिए 20% आप पकना रहेगा, 15% या फिर 10% पकना रहेगा तो ठीक है बाद में, मतलब 20% पकना रहेगा तो ठीक है बाद में वो फिर जब हम लोग राइस वगैरह ऐड करेंगे उसके बाद भी इसको हम लोग 20-25 मिनट तक पकाते हैं तो तभी पक जाता है पूरी तरीके से। बट आई थिंक 80% हम लोग को प्रॉपरली कुक कर लेना है इसको, चिकन को अच्छी तरीके से। A few moments later. चिकन पक गया है। अभी इसमें है ना थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे बिकॉज हम लोग को जूसी बिरयानी चाहिए। मतलब इसमें ऑलरेडी है थोड़ा ग्रेवी बट थोड़ा सा और हमें इसमें पानी ऐड करना है। और मम्मी इसमें नमक डालना भूल गई तो अभी डालेगी मम्मी। तो हम लोग को जूसी बिरयानी चाहिए इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसमें और भी पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक बिकॉज नमक सिर्फ हम लोग ने जब चिकन मैरिनेट किया था तभी डाला था, फिर उसके बाद नहीं डाला था इसलिए अभी डाला मम्मी ने। अभी मिक्स करेंगे इसको और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे बिकॉज हमें थोड़ा सा जूसी बिरयानी चाहिए। आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना जूसी बिरयानी चाहिए उसके हिसाब से। थोड़ा सा चिकन मसाला, अभी इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे, फिर ये बिरयानी मसाला डालेंगे, चिकन मसाला, फिर थोड़ा सा एक मसाला चांगला मोटा एक चम्मच बड़ा वाला 1 चम्मच तक डाल सकते हो आप इसमें। One hour later. तरीके से फाइनली हमारा जो जिद्दी पानी वो बॉईल हो गया है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे खड़े मसाले लाइक ये जो तेज पत्ता है वो, फिर ये इसमें जो खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं मैं अभी नाम नहीं लूंगी तो आप देख के डाल सकते हैं, ये सब डालेंगे हम लोग। डाल दो यस। तो आपको दिख गए हैं क्या क्या हम लोग ने डाले खड़े मसाले, वो सब आप डाल सकते हो। अभी बस इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक जास्ता टाका है, थोड़ा नहीं मतलब जितना भी रिक्वायर्ड है उतना आपके हिसाब से डालो। मतलब जो बिरयानी में हम लोग ने डाला है, मतलब ये जो ग्रेवी में हम लोग ने डाला है नमक उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करो। और ये देखो गाइज मम्मी इसमें अभी ये लाइम जूस ऐड कर रही है बिकॉज फिर कैसे है ना, मम्मी बोल रही थी कि जो चावल है वो खिले खिले होते हैं चिपके चिपके नहीं रहते। और ये 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम लोग घी और बस हो गया ये। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारे ये सोक्ड राइस। तो ये सोक्ड राइस इसमें हम लोग को ऐड कर देने हैं। अभी तो हम लोग 70-80% पकाएंगे गाइस ठीक है ये पानी में। और फिर पकने के बाद हम लोग ये जो राइस है इसमें ऐड करेंगे तो तभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको पकने देते हैं, चलो तब तक मैं मेरा काम कर लेती हूँ पेंडिंग। A few moments later. देखिए गाइस अच्छी तरीके से हमारा राइस बॉइल हो गया है और ये जो चावल है बहुत ही खिले खिले बने हम लोग के। अभी इसको हम लोग डालेंगे ये ग्रेवी में। अभी इसको ऐड करते हैं हम लोग ये ग्रेवी में और हम लोग लेयर्स नहीं करने वाले हैं, एक ही हम लोग लेयर बनाने, मतलब एक चिकन के ऊपर ही डायरेक्टली ये पूरा राइस हम लोग डालेंगे। कुछ लोग बिरयानी में 2-3 लेयर बनाते हैं बट वो भी हम लोग नहीं बनाएंगे बिकॉज पहले आधा टाप लेयर पर तो कुछ लोग टकन पर कर देते हैं। हाँ बिकॉज अभी कैसे टाइम भी हो गया है बहुत ज़्यादा और इतना ज़्यादा भी बिरयानी नहीं है तो इसलिए हम लोग एक ही लेयर बना के ये डालेंगे। तो पहले हम लोग ये आधा डालेंगे राइस इसमें। अभी इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड करेंगे गाइस और फिर इसके ऊपर ये जो हमारा अनियन है, ये जो कोरिएंडर एंड ये जो पुदीना ये सब डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। हाँ जो ये बॉईल किया हुआ जो पानी है ना गाइस हम लोग ने इसमें निकाल के रखा है बिकॉज फिर ये हम लोग को राइस के ऊपर डालना भी होता है थोड़ा बीच बीच में, तो लाइक हम लोग का जो बिरयानी वो जूसी होती है इसके लिए। तभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे फिर ये सब डालेंगे।
गाइस ये भी हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। तो गाइस अभी इस पे ये ढक्कन रखेंगे और ढक्कन आप लोग को ऐसा रखना है कि कहीं से भी मतलब स्टीम निकलनी नहीं चाहिए, प्रॉपरली वो कवर होना चाहिए और अच्छे से पकना चाहिए, बिकॉज कहीं से स्टीम निकल रही होगी तो अच्छे से बिरयानी हमारी जो है वो पकेगी नहीं। इसलिए हम लोग को ऐसा ढक्कन रखना है ऊपर से लीड कि जो प्रॉपरली रहे, और फिर उसके ऊपर हम लोग ये तवा रखेंगे बिकॉज वो अच्छे से पक पाए अंदर से। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे 20 से 25 मिनट तक रखना है ना बिरयानी को। और एक भरा हुआ टोप डाल दिया मम्मी ऊपर, पानी का भरा हुआ ये जो टोप है वो डाल दिया मम्मी ऊपर से, बिकॉज अच्छे से वो टाइटली रहे फिर और कहीं से भी स्टीम नहीं निकल पाए तो हमारी जो बिरयानी वो अच्छे से पक जाएगी अंदर से। ओके, और नीचे कुछ भी नहीं रखा है और ये जो है मम्मी ने ना एकदम से फ्लेम एकदम ही कम कर दिया है, मतलब ये साइड में कर दिया है, मतलब इसका मतलब है कि पूरा एकदम कम फ्लेम है, है ना। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग 10 से 25 ओके, तो चिकन हो गया है तो 10-15 मिनट तक ही रखेंगे हम लोग ये और अच्छे से एक स्टीम निकालेंगे इसके अंदर से। और 10 मिनट के बाद फिर हम लोग को देखना है स्टीम निकल रही है कि नहीं, फिर वापस से ढक्कन रख के हम लोग को उसको 15 मिनट ऐसे ही रख देना है। ओके, विदाउट दिस फ्लेम ऐसे ही रख देना है, फिर वो अंदर से भी अच्छे से कुक होती है हमारी बिरयानी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको पकने के बाद भी 10-15 मिनट तक ऐसे ही ढक के रखना है तो अंदर से वो और भी अच्छा उसका मतलब पक जाता है अंदर से विदाउट फ्लेम। सो या इसको वैसे की वैसे हम लोग ने 15 मिनट हो गए और अभी भूख भी लगी है और मेरा काम कर रही थी थोड़ा सा यूट्यूब का, तो अभी भूख भी लगी है, 4:15 हो गए, तो अभी बस मैं सर्व करूँगी मुझे मेरे भाई को, मम्मी तो खाती नहीं है नॉनवेज तो हम लोग को सर्व करूँगी मैं अभी और फिर मैं खाऊंगी बिरयानी, आपको दिखाती हूँ गाइस, रुकिए थोड़ा टाइम। ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है और ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम आ रही है इस पे। चलो अब मैं फटाफट से ये सर्व कर लेती हूँ गाइस प्लेट में। वाओ गाइस बिरयानी देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है, ओ माय गॉड। चलिए अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ, एक्चुअली मम्मी है ना बाहर मेरी बुआ से बात कर रही है फोन पे तो इसकी वजह से हम लोग को भूख लगी है मुझे और मेरे भाई को, तो मैं अभी सर्व कर लेती हूँ गाइस फटाफट से उसको और मुझे भी साथ ही साथ में। इसमें एक लेमन लाइम और थोड़ा सा अनियन और ये हमारा बिरयानी का प्लेट रेडी है गाइस। हमारी बिरयानी बनके रेडी है, मैंने सर्व भी ले ली है, अभी मैं फटाफट से खा के देखती हूँ कैसी थी। वाओ नाइस, बहुत अच्छी बनी है इस बिरयानी रियली, वेरी नाइस। एंड चिकन बहुत जूसी बना है और सॉफ्ट बना है, नाइस गाइस बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी बनाना और खाना, और मैं उस पर नींबू निचोड़ना भूल गई, सो अभी मैं इसके ऊपर ये नींबू डालूंगी। मैं अभी गाइस पापड़ भी लेके आ रही है हम लोग के लिए बिरयानी के साथ खाने के लिए, बहुत अच्छी बनी है तो गाइस आप भी ऐसे बना सकते हो और खा सकते हो घर पे। ठीक है, और ये वाला ब्लॉग जो है मैं यही पे एंड करती हूँ गाइस बिकॉज ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस। आई सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।